लव यू टू, लव यू टू। अगर आपने नहीं आया तो आपने अपना जिंदगी से बहुत बड़ा एक चांस मिस कर दिया जो और कभी नहीं आने वाला। ये फायरवर्क्स जो आपने अभी देखा है मैं अपना पूरा जिंदगी में नहीं देखा। अगर आपने नमत शुभम को जानते हो तो हेड्स ऑफ उनको, उन्होंने ये कंट्री में जाके रियल में विजिट किया। हे व्हाट्सअप, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में सारा चीज कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाया था। फिलहाल इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, इस जगह पर मैंने इससे पहले भी विजिट किया हूँ। यह है एग्जैक्ट पुर्तगाल पवेलियन का नीचे ही मैं अभी खड़ा हूँ। सो आई होप फर्स्ट वीडियो का जैसा ही इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कैसा है दोस्त? बिल्कुल ठीक रहा। किधर? इंडिया 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 कोलकाता। कोलकाता मलबारी? नहीं नहीं मलबारी नहीं, इन्होंने फिलीपींस से है लेकिन फिर भी इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। लाइक योर लैंग्वेज यार। आप ये जो देख रहे हो ये पवेलियन, ये है फिलीपींस का पवेलियन। मैंने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट किया था उसी दिन मैं ये फिलीपींस पवेलियन पे विजिट किया था। सो इसीलिए मैं और आज नहीं चाहता हूँ इसका अंदर विजिट करने के लिए। आपको मैं आगे लेके चलता हूँ जहाँ पर जुबली स्टेज है, वहाँ पर जाके मैं वहाँ का भी कुछ सीन आपको दिखाता हूँ। सो कम फाइनली अभी आके पहुँच चुका हूँ एग्जैक्ट जुबली स्टेज का बाहर। जुबली स्टेज का व्यू जो देख रहे हो भाई, मतलब मुझे एआर रहमान का शो जो था वही बात मुझे याद आ रहा है, क्योंकि उस दिन जो है बहुत ज्यादा क्राउड था, इतना ज्यादा क्राउड था वही क्राउड आज देखने को मिल रहा है। सारा चीज मैं दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे और एक मजेदार चीज देखने को मिल गया वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। इन लोग बिलोंग करते हैं फिलीपींस से। आर यू बिलोंग फ्रॉम फिलीपींस? राइट, हां। सो नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। थैंक यू। टुडे इज लास्ट डे, सो वी गोइंग वेरी बैड जापान। सी यू इन द 2025 इन द जापान, राइट? हां, ओके, बाय बाय। आई लव यू, लव यू टू। ये जुबली स्टेज पे मैंने पता नहीं कितना वीडियो शूट किया हो, नोरा फतेही, श्रेया घोषाल, एआर रहमान, अपने जिन जिन का भी वीडियो देखा सारा वीडियो मैंने इसी जगह पर शूट किया था। और आज फिर से और एक बार कुछ शो होने वाला है, मैं पूरा कोशिश करता हूँ आपको वो भी दिखाने का। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है पर्सनली, क्या कल से इस जगह में और कोई पब्लिक को अलाउ नहीं करेगा और ना ही कोई पब्लिक आ पाएगा। सो जो भी है, जैसा भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फाइनली अभी जुबली स्टेज का बाजू से निकल चुका हूँ। एक्चुअली इतना देर तक मैं फ़ोन में चार्ज दे रहा था, क्योंकि फ़ोन में सुबह से इतना वीडियो शूट किया इसी वजह से फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो चुका था, और यही है चार्जिंग बोर्ड। फिलहाल अभी यहाँ से निकलता हूँ। इस वक्त मैं वो एग्जैक्ट कतर पवेलियन का सामने, मेरा लेफ्ट साइड में ही है सस्टेनेबिलिटी पवेलियन, और मेरा पीछे जो पवेलियन है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और अगर आपने नमत शुभम को जानते हो तो हेड्स ऑफ उनको, उन्होंने ये कंट्री में जाके रियल में विजिट किया। ये चीज हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक बात है, मेरा भी बहुत दिन का तमन्ना है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं भी कभी जरूर जाऊंगा। अभी फिलहाल उज्बेकिस्तान का एक व्यू आपको और दिखाता हूँ। आजबेरिया जान, बहुत ही अच्छे पवेलियंस है लेकिन फिलहाल अभी बंद हो चुका है। मुझे लगता है आज भी 10 बजे पवेलियन सारा बंद कर दिया, क्योंकि इधर का एक रूल्स है। और बाजू में यह ब्राजील पवेलियन, मैंने लास्ट टाइम विजिट भी किया था, आपने शायद देखा भी होगा। और एक चीज मुझे नहीं पता मुझे आज इतना ज्यादा शर्म क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, काफी सारे लोग मुझे देख रहे हैं। पर्सनली मुझे शर्म तो लग रहा है लेकिन क्या करूँ, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। ये ब्राजील पवेलियन देखकर मुझे और एक बार याद आ गया बादशाह का वही गाना, सैया ने देखा ऐसे मैं तो पानी पानी हो गई। सस्टेनेबिलिटी पवेलियन से निकल कर जा रहा हूँ आर्थ प्लाजा की तरह, और जाते जाते देख लिया बाजू में हो रहा है एक फंक्शन, जो कि मतलब एंटरटेनमेंट करने के लिए, बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा जोश लाने के लिए मुझे बहुत ही मदद करेगा। सो ये चीज मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी मिस करने के लिए। इट्स नाउ और नेवर, बिफोर इट्स गॉन फॉर एवर। सो मैं चाहता हूँ कुछ भी चीज मिस होने से पहले कुछ करने का। आर यू गाइस रेडी? ये
फायरवर्क्स जो आपने अभी देखा, ये मैं अपना जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने काफी बड़ा बड़ा फायरवर्क्स देखा, लेकिन आज का फायरवर्क्स का जैसा फायरवर्क्स मैं अपना पूरा जिंदगी में नहीं देखा। आज इतना रात हो चुका है लेकिन पब्लिक का क्राउड आप देख ही रहे हो। ये आप जो देख रहे हो, मैंने ये सोचा था ये मतलब कोई गुनी का जैसा होगा, लेकिन ये पूरा प्योर स्टोन है यार, कसम से इतना ब्यूटीफुल बनाया मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ये एरिया पे भी एक दो फोटो मैं अभी शूट करने वाला हूँ जो आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम पर, अगर आप चाहो तो जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। और काफी सारा चीज है जो चीज मैंने यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ कॉपीराइट की वजह से, वो सारा चीज आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम पर, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन का अंदर मिल जाएगा। और ये ब्यूटीफुल प्लेस को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कसम से। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, ये इतना ब्यूटीफुल पवेलियंस, आज इसका सामने लाइट भी नहीं है। अभी फिलहाल जाने वाला हूँ ये एक्सपो का अंदर आज तक का सबसे रिक्सी काम करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी रात को 2 बजने वाला है और ये पानी का अंदर से जाना पड़ेगा एक शॉट के लिए। तो भाई आपको क्या फील हो रही है दुबई में? बहुत अच्छे हो रहे हैं यार, बहुत अच्छे हो रहे हैं दुबई एक्सपो, बहुत अच्छे हो रहे हैं। रियली आई डोंट हैव एनी सिंगल वर्ड टू से, इतना बुरा लग रहा है शायद ऐसा दिन मेरा जिंदगी में बहुत ही कम आया। आज शाहिद को बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद ने बहुत मेहनत करके, इवन अभी भी मेहनत कर रहा है, ऑलमोस्ट 12 घंटा हो गया उसको मैंने कैमरा होल्ड करवाया। ये वीडियो का पूरा क्रेडिट शाहिद को जाता है, क्योंकि आज अगर शाहिद मेरा साथ में ना होता तो शायद मैं इतना अच्छा मोमेंट, इतना अच्छा मेमोरी मैं शूट नहीं कर पाता और ना ही वो कैमरा का अंदर रिकॉर्डिंग कर पाता। और दूसरा एक चीज, अभी अल्बसल प्लाजा का अंदर पूरा धुआं धुआं हो गया, इतना धुआं धुआं हो गया मतलब अभी ऐसा लग रहा है सैया ने देखा है ऐसे, और ये अल्बसल प्लाजा पूरा धुआं धुआं हो गई। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा जिंदगी का आज तक का बेस्ट एक्सपीरियंस अगर आप पूछो, और अगर कुछ है और बेस्ट मेमोरीज में से कुछ है तो वो है आज का ये दिन, क्योंकि आज का ये दिन मेरे लिए इतना स्पेशल एक दिन था, मैं ये दिन अपना ज़िंदगी से मेरा आखिरी सांस तक कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दुबई में रात हुआ ही नहीं, जस्ट सनसेट हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब मेरा ऊपर देख ही पा रहे हो कितना सारा वोश गिरा हुआ है, तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि अभी रात को 3 बज चुका है। आपको मैं जो चीज़ आज तक नहीं दिखाया वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इतना ज़्यादा मिस करूँगा ये चीज़ को भी मैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो तो बहुत ही क्यूट है। हाँ, आपको मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो DEC अरना देख रहे हो, यहाँ पर हुआ था सलमान खान का कॉन्सर्ट, जहाँ पर देखने को मिला था सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, दिशा पटनी, पूजा हेगड़े और भी काफ़ी सारा बॉलीवुड स्टार को। सो ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता ऐसा एग्जीबिशन अगर दुनिया में कहीं पर होगा वहाँ पर मैं अटेंड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन आज का इस दिन, आज का इस ब्लॉग मेरा ज़िंदगी में मैं आखिरी सांस तक याद रखूँगा ही रखूँगा। सो चलो अभी जाता हूँ सीधा मेट्रो की तरफ। भाई साहब जस्ट अब क्राउड देखो मेट्रो स्टेशन में जाने के लिए, कितना लोग आए आज घूमने के लिए यहाँ पर। अगर आपने नहीं आया तो आपने अपना जिंदगी से बहुत बड़ा एक चांस मिस कर दिया जो और कभी नहीं आने वाला है। सो फाइनली अभी आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ का क्राउड अभी भी आप देख ही रहे हो, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्लोजिंग सेरेमनी का फायरवर्क्स हुआ, उसके बाद पूरा तरीके से क्लोज हो गया। ये लास्ट 6 मंथ पे ये एक्सपो में क्या क्या किया सारा चीज़ आपने देखा, सारा चीज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किया हूँ, और आज का ये आखिरी दिन में आखिरी मोमेंट वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। और फिर कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग, आज का ये वीडियो, आपका एक वैल्यूएबल फीडबैक देके नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि आपको पता है आपका सेटिस्फेक्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर करता है। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आपका साथ और एक कमाल का वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।